गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम आपको करवाने जा रहे हैं एटम न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के ऊपर बोहर पास्टुलेट्स क्या होते हैं। बोहर पास्टुलेट्स, बोहर पास्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा बोहर पास्टुलेट्स में इनके जो पांच मेन पास्टुलेट्स हैं जिनके ऊपर आगे आपके मेन जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज तक, ये मेन इसके पास्टुलेट हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे। ठीक है, पहला पास्टुलेट इसका क्या है? पास्टुलेट क्या है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। समझ तो आ गई होगी आप लोगों को, पहला पास्टुलेट क्या है इसका। पास्टुलेट कहता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। कहने का मतलब एटम के अंदर एक एटम के सेंट्रल कोर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। दूसरा पास्टुलेट, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कि कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर ही होता है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में उसके इर्द गिर्द मूव करता है। अब कैसे करता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे हम आप लोगों को। देखिए बेटा, ये बड़ी ब्रीफ थ्योरी है, इसका ध्यान रखना। कभी कभी आपसे क्वेश्चनिंग ये भी खींची जा सकती है कि जो एटम है वो स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, सो देखो, आज आपको डिटेल बताएंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इसका रेडियस कितना है आर, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है जेड ई, और यहाँ पे अंदर कोलंबियन फोर्स होती है kZe² / r² और यहाँ पे बाहर को फोर्स जो होती है वो होती है mb² / r, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। ये इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है, कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है, मान लीजिए वेलोसिटी v, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कंपेल करती है किसी बॉडी को टू मूव इन अ सर्कल पाथ, ठीक है, मूव इन अ सर्कल पाथ अलोंग द सर्कल टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। तो मतलब कि सेंट्रीपेटल फोर्स होती है mb² / r, और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल होती है जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है, ठीक है, देखा होगा आपने, जब अब यहाँ पे पार्टिकल जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, क्यों कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इस तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, ठीक है, विद सेंट्रीपेटल फोर्स mb² / r। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है, ए फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो रेडियस इसका आर ले लिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे बताया गया है ये कोलंबियन फोर्स, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो है mv² / r, और जो कोलंबियन फोर्स है वो है kZe² / r² फॉर स्टेबल एटम के लिए क्या होगा, स्टेबल एटम के लिए याद रखना, कोलंबियन फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों बराबर होती हैं, कोलंबियन फोर्स होगी kZe² / r² और ये आ गया mv² / r, ठीक है। तो ये तो किसी स्टेबल एटम के लिए जो होता है कोलंबियन फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, एक बात ये क्लियर होगी। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है इन इट्स ओन स्टेशनरी ऑर्बिट अलोंग द
रेडियस ऑफ द अलोंग द ये रेडियस जो अभी आप लोगों का आर होगा, तो ये ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का एक सेंट्रल कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये हो गई बात इसकी पार्टिकुलर सेकंड की, तो विद वेलोसिटी, ठीक है। और याद रखना वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक कंडीशन है कि फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमने ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमारा बेटा आगे मैं आपको बता दूंगा इसका थर्ड पार्टिकुलर जो है, थर्ड पार्टिकुलर हमें ये कहता है कि थर्ड पार्टिकुलर ये कहता है कोई भी इलेक्ट्रॉन इन ऑन स्टेशनरी ऑर्बिट जब भी रिवॉल्व करता है तो वो इंटेग्रल मल्टीपल होता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल होता है एच अपॉन टू पाई का। अब बेटा एम क्या है, मास, वी क्या है वेलोसिटी, आर रेडियस, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन इट्स ऑन स्टेशनरी ऑर्बिट, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल किसका होता है, एच अपॉन टू पाई का। हाँ जी, तीसरा, चौथा पार्टिकुलर हमें ये कहता है एन एसेलेटेड इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स ओन स्टेशनरी ऑर्बिट, एन एसेलेटेड इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स ओन स्टेशनरी ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन स्पाइट ऑफ इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर, वो होती है, और जो टोटल एनर्जी होती है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वो रिमेन्स क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो आपको रिपीट करवा दें कि एन एसेलेटेड इलेक्ट्रॉन, एक कोई एक एसेलेटेड इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इन इट्स ओन स्टेशनरी ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, किसी तरह की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट नहीं करता इन स्पाइट ऑफ इट डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर। वो अलग बात है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टूवर्ड्स सेंटर होती है, और जो टोटल एनर्जी होती है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ये आप लोगों का फोर्थ पार्टिकुलेट था। फिफ्थ पार्टिकुलेट में क्या है, कहता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, देखो अगर कोई एक हायर ऑर्बिट है, लेट इट बी ये एन टू है, ये आपका एन वन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट लूजेज एनर्जी, ठीक है, एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट गेन्स एनर्जी। दोबारा सुन लीजिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो लूज करता है एनर्जी। तो ये एक आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, ओमेगा एन वन माइनस ओमेगा एन टू इज इक्वल टू एच न्यू, एच आपका आपको पता ही है, इसे बोलते हैं आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर तो वो एनर्जी को लूज करता है, हायर से लोअर में लूज करता है और लोअर से हायर में गेन करता है। तो ये पार्टिकुलेट था इसका फिफ्थ। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, पांच पार्टिकुलेट बताए हैं। पहला पार्टिकुलेट ये बताया कि जो एटम होता है उसकी एक सेंट्रल कोर होती है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एट इट्स सेंटर। दूसरा बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है स्टेशनरी ऑर्बिट में। तीसरा मैंने बताया कि जो आपका इंटेग्रल जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो ऐसा इंटेग्रल मल्टीपल होता है एच अपॉन टू पाई का। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोई भी एसेलेटेड इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स ओन स्टेशनरी ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो, वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में लूज करता है एनर्जी को एच न्यू, और जब लोअर से हायर में जाता है तो गेन करता है, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर बोहर पार्टिकुलेट। थैंक यू वेरी मच।